तो देखो डास खोलना है तो डास खोलने के लिए सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में आपको यहीं लिखना है CMD। CMD से आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है। कमांड प्रॉम्प्ट किसी भी कंप्यूटर में रहता है, यानी विंडोज 7 हो, विंडोज XP हो, विंडोज 8 हो, 10 हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले से आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। ठीक है, डास भी रहता है, डास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको खोलने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करना है। अभी भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ही आपको खोलना है, यहाँ यस करा दोगे, यस कराओगे तो आपका ये डास का स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ से आप फुल स्क्रीन करोगे। अब यहाँ लिखावट जो छोटा है बड़ा करना है कि भाई छोटा जो दिख रहा है बड़ा बड़ा आए, तो बड़ा लिखने के लिए आपको कुछ सेटिंग करना है। यहाँ पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे जो सी प्रॉम्प्ट है, इसमें जाओगे, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज खुल गया। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर आपको फॉन्ट दिखा रहा है, तो फॉन्ट में देखो 16 फॉन्ट का साइज है, आप यहाँ से बढ़ा दो 22 28 30 36 28 लेकर ओके करते हैं। थोड़ा सा बड़ा आया, और बड़ा चाहिए तो दोबारा इसमें जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, फॉन्ट में जाओ, और फॉन्ट में यहाँ पर और बड़ा कर दो। ठीक है, 28 से मान लो हम 32 कर देते, यहाँ लिख दो डायरेक्ट, यानी 32 इसमें है नहीं, 32 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पर लिखावट का भी हम फॉन्ट बदल सकते हैं। कंसोला में देखो ऐसा आ रहा है, ल्यूसिडा में ऐसा आ रहा है, और रास्टर में ऐसा आ रहा है। आपको लेना कौन सा वो ले लो, ये बेटर लग रहा है ये ले लो, ओके कर दो। थोड़ा हाईलाइटेड हो गया। तो डास इस तरीके से आप खोलोगे, और खोलने के बाद ये सेटिंग अगर करना है फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है, सी के अंदर विंडोज, विंडोज के अंदर सिस्टम 32। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपका कंप्यूटर जो है सी ड्राइव के अंदर विंडोज नाम का फोल्डर, उसके अंदर सिस्टम 32 फोल्डर, उसी के अंदर कर्सर है। इसको समझते हैं माई कंप्यूटर से, तो यहाँ से माई कंप्यूटर मान लो खोल लिए, तो ये कहाँ दिखा रहा है, सी ये दिखा रहा है, इसके अंदर ये देखो विंडोज है, विंडोज दिखा रहा है, और इसी के अंदर आपका जो सिस्टम 32 फोल्डर दिखा रहा है, ये सिस्टम 32 है ये, यानी इसके अंदर कर्सर है, यहाँ पर कर्सर हमारा ये जो डैश है यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर कर्सर अभी करेंटली है, समझ में आया। तो विंडोज से अगर हम खोलते हैं तो इस तरीके से खोलते हैं भैया, ये सी विंडोज सिस्टम 32, और डास में बाई डिफॉल्ट खुला है, तो हम क्या करेंगे कि सी ड्राइव में यहाँ पर आएंगे, ताकि जो भी फाइल बनाए यहाँ सी ड्राइव में आए, तो सी ड्राइव में सब चीज़ आसानी से दिख जाएगा। तो सी ड्राइव में आने के लिए हमको करना क्या है, CD और यहाँ पर ये स्लैश लगाना है, स्लैश देख लो इस तरीके का लगाना है, बहुत लोग इसको ऐसे ना लगा के इधर वाला लगाता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, आपको ये वाला लगाना है CD स्लैश, इंटर दबाओगे तो ये क्या करेगा ना कि देखो सिस्टम 32 और विंडो से बाहर निकला या सी ड्राइव में आ गया, यानी दोनों फोल्डर को ये बंद कर दिया। तो फोल्डर से बाहर आने के लिए CD और स्लैश का यूज आप करोगे, क्लियर है। ये हमारा हो गया डास। अब सेकेंड हम इसमें सीखेंगे, जैसे डेट देखना, टाइम देखना, उसको बदलना। तो कंप्यूटर में डेट अगर हमको देखना तो यहाँ डेट लिखेंगे डास के थ्रू, ये डेट एक कमांड का नाम है, डेट लिखकर इंटर दबाएंगे। एंटर दबाते देखो आपको दिखा रहा है करेंट डेट इज 6 जून 2023, नीचे पूछ रहा न्यू डेट, न्यू डेट में आपसे पूछ रहा है DDMMY मानी डेट मंथ और ईयर, किस डेट किस मंथ किस ईयर को आपको देना है, यहाँ पर आप भर सकते हो। अगर ये डेट गलत है तो यहाँ भर दो, नहीं गलत है तो छोड़ दो। तो इंटर दबा के आपको बाहर आ जाना है। आपको ध्यान देना है ये सी प्रॉम्प्ट जो दिख रहा है, इस सी प्रॉम्प्ट पर ही किसी भी कमांड को आपको चलाना है, यानी ये रहेगा तो ही आप किसी कमांड को चलाना है, ऐसा नहीं कि सी प्रॉम्प्ट नहीं है कर्सर आपका डेट वाले पर वहाँ कोई कमांड चला दिए। हमारा डेट बदलना है तो बदलते कैसे है, आप लिखते हो डेट स्पेस, यहाँ क्या पूछ रहा है, पहले डेट पूछ रहा है फिर मंथ ईयर, माने पहले डेट देना है फिर मंथ ईयर। मान लो हम ये जानना चाह रहे कि 15 तारीख 12 महीना 2023 में कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम ये लिख कर इंटर मारेंगे, तो ध्यान देना यहाँ नीचे जो घड़ी यहाँ भी बदल जाएगा। तो हम लिखे और इंटर मार दिए, इंटर मारते यहाँ पर देखो 15 दिसंबर 2023 आ गया, यानी आपका डेट बदल गया। अब अगर दोबारा केवल डेट लिखकर इंटर मारते हो आपको डेट दिखाएगा 15 दिसंबर 2023। अच्छा, इसमें दिन नहीं दिखा रहा है, और सारे सॉफ्टवेयर में दिन दिखा देता है, यानी पुराने वर्जन में पुराना डास रहेगा तो उसमें दिन भी दिखाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ डेट को बदलना है तो दोबारा यहाँ डेट भर दो, तो डेट मंथ ईयर भरना है, नहीं बदलना है तो क्या करोगे, इंटर दबाओगे, इंटर दबा के सी प्रॉम्प्ट पर आओगे। तो ये हमारा डेट देखना, ये डेट बदलना, ये दो तरीका आपको हमने बता दिया। यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट बदल सकते हो डेट, और दूसरा ये डेट लिखकर इंटर मारे यहाँ पर आ रहा, तो यहाँ आगे लिखकर भी बदल सकते हो। दो तरीका हो गया डेट बदलने का।
नेक्स्ट हम टाइम देखेंगे तो टाइम देखने के लिए लिखेंगे टाइम और इंटर, तो सेम डेट की तरह टाइम भी दिखाएगा। तो टाइम आपको दिखा रहेगा 10:27:34 है और 88:09 है, तो सेकंड नैनो सेकंड बहुत तेज चलेगा, सेकंड जो 1, 2, 3, 4 चलता है सेकंड वो सेकंड चलेगा। जनरली आपको अगर टाइम बदलना है तो यहाँ पर घंटा और मिनट दो चीज़ भरना है, घंटा मिनट भरने के बाद इंटर मार देना, आपका ये चेंज हो जाएगा। नहीं बदलना है तो केवल इंटर दबा देना है। सी प्रॉन, ध्यान रहे कि सी प्रॉन पर ही हर एक कमांड को चलाना है, सी से आपका कमांड चलेगा, इसी से रन करेगा। हमने सी प्रॉन पर कमांड चलाना है तो हम यहाँ से बाहर आ गए। टाइम बदलना है तो बदलते कैसे हैं, सेम वही जैसे डेट बदले ना ऊपर, क्या लिखे डेट और आगे डेट लिखकर बदल दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम और आगे लिख देंगे। सपोज 12:15 करना है तो लिख दिया 12, यहाँ पर बिंदी देना है यानी कॉलन, कॉलन लगा तो कॉलन ही देना है, जो यहाँ फॉर्मेट दिख रहा है वही फॉर्मेट। डेट ये हो गया 12:00 और 37:35 जो भी देना वो दे दिया और इंटर मार दिया। आप देखते हो तो यहाँ पर देखो ये टाइम आपका बदल गया। तो इस तरीके से टाइम बदलते हैं। अगर केवल टाइम लिखकर इंटर मारते हो, इसमें भी आपको यहाँ टाइम दिखा रहा है, यहाँ बदलने के लिए पूछ रहा है, तो अगर ये गलत है, हमको बदलना है 10:25, 10:15, यहाँ लिखेंगे 10 बिंदी देंगे शिफ्ट के साथ और आपका टाइम हो रहा है मान लो 28 दे देते हैं, 28 एंटर दबा दिया, यहाँ पर देखो घड़ी यहाँ पर बदल गया। तो डेट और टाइम यहाँ से हम बदल सकते हैं। अब ये जो स्क्रीन भर गया है ना, लिखते लिखते सारा स्क्रीन भरते जाएगा। साफ करने के लिए एक कमांड होता है CLS कमांड होता है, कंप्यूटर स्क्रीन को क्लियर करता है, साफ करता है। हम ये सारा साफ करना चाह रहे हैं तो CLS लिखकर इंटर मार देंगे, पूरा स्क्रीन साफ। अब स्क्रॉल भी करोगे ऊपर नीचे तो आपका मैटर नहीं दिखेगा, जैसे व्हाइट बोर्ड पर आप मैटर लिखे और व्हाइट बोर्ड के मैटर को हमको मिटाना है, तो उस कंडीशन में हम मैटर लिख के मिटा देंगे डस्टर से, वही समझो ये क्लियर हो गया, CLS से स्क्रीन पूरा साफ हो जाएगा। तो डेट टाइम CLS तीन कमांड हो गया। अगला एक कमांड है कॉपी कान। कॉपी कान का क्या काम है, कॉपी कान के थ्रू हम लोग किसी भी फाइल को बनाते हैं, जैसे नोटपैड की फाइल बनाना है या कोई टेक्स्ट फाइल बनाना है जिसके अंदर बस हमको टेक्स्ट लिखना मैटर लिखना है, हम लिखते हैं कॉपी स्पेस कान और आगे फाइल का नाम। फाइल का नाम हम चाह रहे हैं कि भाई मनीष के नाम से बना दे, तो यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देते हैं मनीष। मनीष दे के .txt अगर लिख दोगे तो ये नोटपैड की फाइल बन जाएगी, एक्सटेंशन टेक्स्ट हो जाएगा नोटपैड की फाइल। तो हमने लिखा कॉपी कान मनीष .txt, एंटर लगा दिया। अब यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हो कि माय नेम इज मनीष, एंटर, आई लिव इन बलिया, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप मैसेज लिखते जाओ, ठीक है, 10-20 लिख लो। लिखने के बाद फाइल इसमें सेव कराया जाता है Ctrl+Z से, कंट्रोल के साथ जेड आपको दबाना है, Ctrl+Z से डास में फाइल सेव होता है, ठीक है। आपने Ctrl+Z दबाया, ये Ctrl+Z से आपका सिंबल आएगा, ये जो सिंबल दिख रहा है ऊपर आपका त्रिभुज की तरह, तो ये कंट्रोल का सिंबल है और ये जेड हो गया। Ctrl+Z दबाना है और आपको इंटर दबा देना है। एंटर दबाते ही देखो वन फाइल कॉपी लिख दिया, इसका मतलब एक फाइल आपकी बन गई। तो कॉपी कान कमांड क्या काम करता है, फाइल को बनाता है। जब भी फाइल बनाना है तो लिखोगे कॉपी स्पेस कान स्पेस और फाइल का नाम, तो लिखा कॉपी स्पेस दिया कॉल लिखा, फाइल का नाम मनीष देना है, मनीष दे दो, सुरेश, अर्जुन, रीता, गीता जो भी देना है वो दे सकते हो, फाइल का नाम जो मर्जी वो दे सकते हो, .txt देना दो, नहीं देना मत दो। तो ये हमारा एक फाइल बन गया मनीष के नाम से। CLS हम कर देते स्क्रीन साफ, CLS पढ़ाई है, CLS कर देते स्क्रीन साफ हो गया। अब मनीष को हमको देखना है कि भैया उसके अंदर क्या लिखे थे मैटर, तो एक कमांड अगला हमारा होता है टाइप कमांड। टाइप कमांड क्या काम करता है, कोई भी फाइल के अंदर लिखे हुए मैटर को दिखाता है। तो हमने लिखा टाइप स्पेस, फाइल का नाम पता होना चाहिए एक्सटेंशन नेम के साथ, फाइल का नाम क्या हमारा है, तो मनीष है, मनीष डॉट करने के बाद हमने दे दिया txt, यानी मनीष .txt फाइल हमने बनाई, इसको लिखा और एंटर दबा दिया। तो ये देखो ये मैटर दोबारा से आपको दिखा दिया कि माई नेम इज मनीष, आई लिव इन बलिया, ये जो लिखे हो ये दिखाया। तो टाइप कमांड का काम क्या है, फाइल के अंदर के मैटर को दिखाना। तो लिखोगे टाइप स्पेस जो भी फाइल है उसका नाम, इंटर, एक्सटेंशन के साथ, तो अंदर का मैटर दिखाएगा। तो ये हमारा अगला कमांड हो गया टाइप कमांड, जो कि टाइप कमांड लिखना है सी प्रॉम्प्ट पे, फाइल का नाम लिखना है, तो ये फाइल के अंदर का मैटर शो करता है, ठीक है। यही अगर मान लो फाइल आपका सी ड्राइव में चुकी है, इस वजह से डायरेक्ट टाइप लिख रहा है तो दिखा दे रहा है। अगर आपका फाइल डी ड्राइव में, जैसे माई कंप्यूटर से दिखाते हैं, माई कंप्यूटर खोला, यहाँ पर हम जाते हैं डी ड्राइव में,
और डी ड्राइव में देखते हैं कोई नोट पैड का फाइल है कि नहीं। तो नोट पैड का फाइल हमारा जैसे यहाँ पर है SMS फॉर स्टूडेंट, ये मान लो हमारा एक फाइल है, ठीक है। या आपका कोई भी फाइल ले लो, साइट या समथिंग जो भी इसके अंदर है, कोई इतना सारा मीटर लिखा है, ठीक है। तो साइट टेस्ट टेस्ट आउटपुट जो भी लिखा है, नाम हम थोड़ा इसका बदल देते हैं, F2 दबाया और F2 दबाने के बाद इसका नाम दे दिया PC। तो PC.txt नोट पैड की फाइल है, कहाँ पर है, डी ड्राइव के अंदर है। तो इसको अगर देखना है डायरेक्ट आपका कर्सर कहाँ पर है, सी प्रांट पर है। तो ध्यान दो जब भी टाइप लिखोगे ना तो ये सी प्रांट के फाइल को ही बस दिखाएगा, ठीक है। हमको डी ड्राइव के अंदर का फाइल देखना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डी ड्राइव के अंदर आपका फाइल है किस नाम से, तो PC के नाम से है। और PC नाम से जो है वो क्या नाम से, PC.txt है। तो यहाँ पर आपका फाइल PC.txt है। तो यहाँ पर कैसे देखोगे, लिखोगे टाइप, टाइप कमांड से फाइल के अंदर के मैटर को देखते हैं, तो लिखोगे टाइप स्पेस दिया, फाइल है कहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, फाइल डी के अंदर है, तो लिखोगे डी डबल कॉलन, डी के साथ ये डबल कॉलन बना दिए, इसका मतलब कंप्यूटर पढ़ेगा कि डी ड्राइव में हमको जाना है, डी ड्राइव ये पढ़ लिया। तो ड्राइव को दिखाने के लिए कॉलन बनाया जाता है, डी ड्राइव। फिर इसके बाद इसके अंदर स्लैश लगाया, डी ड्राइव के अंदर स्लैश लगा दिया मैंने, उसके अंदर घुस गया। फाइल का नाम क्या है, PC.txt है, तो PC.txt आपने ले लिया। तो अगर आपको डी ड्राइव के अंदर, ई ड्राइव के अंदर या पेन ड्राइव लगाते हो, तो मान लो जी या एच बनता है, उसके अंदर घुस के देखना है कोई फाइल का मैटर को, तो हम लोग लिखते हैं टाइप स्पेस फाइल का नाम जो होगा, लोकेशन दोगे डी के अंदर, फाइल का नाम .txt, इंटर लगाओगे। इंटर लगाते देखो यही सारा मैटर था ना, उसके अंदर सारा मैटर दिख गया। हम कन्फर्म करने के लिए यहाँ से खोलते हैं पीसी को, डबल क्लिक किए तो देखो सेम मैटर दिखा रहा है। तो ये मैटर और ये मैटर आपका दोनों एक बराबर है, यानी आप डी ड्राइव के अंदर फाइल रखे हो तो उसको देख सकते हो, ई के अंदर, डी के अंदर किसी फोल्डर के अंदर रखे हो तो भी देख सकते हो। जैसे और किसी को देख लेते हैं, जैसे मान लो डी में हम यहाँ डॉक्यूमेंट करके है, इसके अंदर एक फाइल नया बना लेते हैं न्यू, और यहाँ से टेक्स्ट फाइल, यहाँ पर हम अपना नाम दे देते हैं राशिद, इंटर किया, इंटर किया, यहाँ बस एक मैटर लिख देते हैं माई नेम इज राशिद, लेकर इसको सेव करा के बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ कि एक फाइल हमारा है डी के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर राशिद.txt नाम का फाइल है, मान लो इसको देखना है। तो कैसे देखोगे, सेम वही काम, टाइप कमांड लिखेंगे, टाइप, यहाँ लिखा टाइप स्पेस फाइल का नाम, तो फाइल का नाम मैंने कहाँ है, पहले लोकेशन डी में, तो लिखोगे डी स्लैश, डी के अंदर कहाँ है, डॉक्यूमेंट में, तो फोल्डर का नाम स्लैश, स्लैश लगाते जाओगे मैंने उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, फिर यहाँ पर लिख दिया राशिद.txt और इंटर लगा दिया। देखो एक लाइन बस लिखा था माय नेम इज राशिद लिख दिया। यानी टाइप कमांड का काम है किसी भी फाइल के अंदर के मैटर को देखना, लेकिन ये लोकेशन देना है कि भाई इतना अंदर फाइल है, तो डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव दे सकते हो, इसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, ये दिखा देगा। नहीं, फोटो इसमें नहीं दिखाएगा, जो डास हमारा होता है ना वो केवल आपका होता है CLI बोलते हैं, CLI या बोलते हैं CUI, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो फुल फॉर्म होता है CLI का, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस, ठीक है, और CUI का आपका होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो CLI या CUI दो है, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस या CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये जो दिख रहा है ना, ये कैरेक्टर यूजर है, खाली कैरेक्टर ही दिखाएगा, इस पर पिक्चर फोटो तो नहीं आता है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कमांड से ही सब काम चलेगा। तो देखिए तो कमांड चल रहा है, डेट टाइम CLS सब कमांड से ही चलाओगे। तो इसको CLI चाहे CUI बोलते हैं, इसमें फोटो पिक्चर कलर लाल पीला नीला नहीं दिखेगा, केवल ब्लैक पे व्हाइट आपको दिखाएगा और कमांड आपको बस चलाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब स्क्रीन साफ करना है तो CLS पढ़ाए हैं, पीछे CLS कर दोगे, CLS करोगे तो स्क्रीन आपका पूरा ये साफ हो जाएगा, स्क्रीन साफ हो गया। तो ये हमने 3-4 कमांड बता दिया, कौन कौन सा कमांड बताया, डेट कमांड बता दिया आपको, टाइम कमांड बता दिया, CLS कमांड बता दिया, फिर से कॉपी कमांड बता दिया, फिर से टाइप बता दिया, 4-5 कमांड हो गया।